सरकार के डिप्टी सीएम बस्ती मंडल को नंबर वन बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहां दूसरी तरफ सरकार द्वारा अनुमोदित बजट का जमकर बंदरबांट होता दिख रहा है। कार्यदायी संस्था एनपीसीसी द्वारा जिले में 20 बेड का कोविड हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें काफी हद तक घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि घटिया निर्माण के चलते बहुत सी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी कार्यदायी संस्थाओं के ठेकेदारों ने अभी भी अपने आदतों में सुधार नहीं ला रहे हैं। बस्ती का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर अस्पताल बनाने में घटिया मटेरियल का यूज किया जा रहा है। खराब निर्माण के चलते पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, कई तरह की हादसा सामने आ चुका है, उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। घटिया मटेरियल अस्पताल बनाने में यूज किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। ये कार्य किया जा रहा है और संज्ञान में आया है कि चूंकि अधोमानक कार्य हो रहा है, इसकी जांच सक्षम संस्था से कराकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और शासन के दिशा निर्देश अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जैसे एक कहावत कही गई है, चिराग चले अंधेरा, या भी कुछ उसी तरीके से साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि शासन की मंशा से ये 20 बेड का कोविड हॉस्पिटल जो मुंडेरवा सीएससी के परिसर में ही बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें जो मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा था वो चाहे ईंट हो या सीमेंट हो या फिर स्थानीय जो भी मटेरियल हो, उनकी जो क्वालिटी है वो निहायत ही घटिया दर्जे की साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इसमें जो ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है वो एकदम साफ देखने पर नजर आ रहा है कि दोयम और सोयम ईंटों का प्रयोग किया है। कहीं ना कहीं जो एनपीसीसी कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा ये घटिया निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है घटिया निर्माण को लेकर, जिसको लेकर सरकार की मंशा एकदम साफ है कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन उसके बाद भी कार्यदायी संस्था के ठेकेदार चेतने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सिलसिला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनुज।